दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, जो आपको ये नींबू का जो पेड़ दिख रहा है, ये वाला जो नींबू का पेड़ है दोस्तों, अगर आपके नींबू के पेड़ के फल कम आ रहे हो, जैसे इसके अभी आ रहे हैं, इसके तो हो रहे हैं मतलब कि ज़्यादा आ रहे हैं, अगर आपके नींबू के पेड़ कम आ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके नींबू के पेड़ की क्षमता बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नींबू आने लगे। और दोस्तों अगर आपके नींबू के पेड़ के फल बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो भी आपको क्या करना चाहिए, तो वो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, तो इस वीडियो को देखना पूरा और पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पेड़ के पास पास में से इसे खोद लेना है, जैसे मैं खोद रहा हूँ, चारों तरफ से खोद लीजिए दोस्तों इस प्रकार के। अब दोस्तों आपको यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पेड़ के फल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो ये वाइट वाइट जो ये जड़ें दिख रही है, ये वाली इनको तोड़ के और फिर जो मैं दवाई बता रहा हूँ वो डाल देना है। तो दोस्तों ये एक बोतल है, इसके अंदर जो अपने दूध की खट्टी छाछ होती है ना, छाछ होती है, खट्टी वाली छाछ जो होती है वो है इसके अंदर। तो अब इसको क्या करना है, आपके पेड़ के अंदर डालना है, मतलब जो भी अपना नींबू का पेड़ है उसके अंदर डालना है। तो दोस्तों कैसे डालना है वीडियो को देख लेना, और अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैं कोई फेक ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप YouTube पर जाकर सर्च कर लीजिए कि भाई खट्टी छाछ से अपने पेड़ को ग्रो कैसे करें, तो वहाँ पर आपको इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं पेड़ के पास में। तो दोस्तों अपन इस पेड़ में छाछ डालने से पहले आपको क्या करना है, जितनी भी जो ये जड़ें दिख रही हैं आपको इनको निकाल लेना है, जैसे ये जड़ें हैं ये वाली, ये सभी जड़ें को निकाल लेना है आपको इस प्रकार से। ये जड़ें निकल चुकी है दोस्तों, ये वाली सभी जड़ें निकल चुकी है, आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। तो अब क्या करना है, इसके अंदर आपको छाछ डालनी है, तो अपन छाछ डाल देते हैं। छाछ डालने के बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो अपने जो वापस जो ये मिट्टी है इसको डालने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा खाद मिक्स कर लेना है। दोस्तों खाद आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, खाद आपको कम ही मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स करने से दोस्तों इसके कीड़े भी लग सकते हैं, इसलिए आपको कम खाद मिक्स करना है और फिर इस मिट्टी को वापस से इसे धकेल देना है, मतलब कि ऐसे कर देना है। तो दोस्तों ये मैंने कर दिया है और पूरी तरह से प्रॉपर ये ट्रिक वर्क करेगी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे वाले पेड़ के जो हमने कर रखा है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसी वाले पेड़ के पहले भी ये काम किया था, इससे इसके फल देख लीजिए दोस्तों कितने सारे फल आ रहे हैं, जो ये देख लीजिए दोस्तों पूरे के फल ही फल आ रहे हैं। और एक आपको ऐसे ही एक पेड़ और दिखाता हूँ जिसके मैंने ये ट्रिक यूज की थी, तो ये देख लीजिए दोस्तों, वो ये वाला पेड़ है, इसके फल देख लीजिए आप, आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर, ये छोटा सा पेड़ है अभी तो, और इसके इतने सारे फल आना शुरू हो चुके, क्योंकि दोस्तों हमने इसके अंदर से वो जो वो मिट्टी थी उसको निकाल के छाछ डाल के और वो जड़े थी उनको तोड़ दी थी, फिर इसके बाद में इसके फल आना शुरू हो गए थे। तो आई होप कि ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियो फुल वॉच करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।